अखिलेश यादव को हम जानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री को तो इतना इतना सा बच्चा भी जानता है, मोदी को और योगी को, उनको तो उनको कैसे वोट नहीं दिया। मेरा तो नरेंद्र मोदी जी को है, योगी जी को ना है। क्यों योगी जी से खफा हुआ? नहीं खफा नहीं है, अपना यारा प्यारा लाल दुलारा अपना वही है। अब तो बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी चोरों का देश हो चुका है, पार्टी आनी चाहिए समाजवादी की। समाजवादी पार्टी? हाँ जी। प्रोजेक्ट पास हो गए, एक फोर टैक्सी का प्रोजेक्ट पास हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जो फिल्म सिटी से और ग्रेटर नोएडा तक के लिए जेवर एयरपोर्ट बनाया। प्रोजेक्ट ही पास हुआ, हम भी देख रहे हैं और लोगों का भी ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो हर जगह विकास ही विकास तैर रहा है, अभी बारिश हो रही है। हाँ तो विकास तैर रहे हैं, वहाँ सब कुछ है। 4 साल वैसे तो उन्नति करी है पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। आपको क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा के लेकर या फिर लड़कियों की शिक्षा को लेकर योगी जी ने काम किया है? बिल्कुल किया है। आपका वोट योगी जी? बिल्कुल। 22 चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब तो बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी चोरों का देश हो चुका है, पार्टी आनी चाहिए समाजवादी की। समाजवादी पार्टी? हाँ जी। लेकिन बीजेपी वालों ने दावा कर रखा है हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी उत्तर प्रदेश को, स्मार्ट सिटी बना दी। क्या चीज स्मार्ट सिटी कौन सी बना दी है बताइए? स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बना पाए, नंबर एक का दर्जा मिला ही नहीं, पैसा खा गए, देश का सारा पैसा खा गए। अभी उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी में नंबर एक का अवार्ड मिला है, क्या कहना है? उत्तर प्रदेश स्मार्ट हो गई है? पता नहीं हुआ ये हमें तो पता नहीं। वो प्रोजेक्ट पास हो गए, एक फोर टैक्सी का प्रोजेक्ट पास हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जो फिल्म सिटी से और ग्रेटर नोएडा तक के लिए जेवर एयरपोर्ट बनाया। प्रोजेक्ट ही पास हुआ, हम भी देख रहे हैं और लोगों का भी ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो हर जगह विकास ही विकास तैर रहा है, अभी बारिश हो रही है। हाँ तो विकास तैरेगा ही तैरेगा, जहाँ मोदी है वहाँ सब कुछ है। पिछले 4.5 साल योगी बाबा रहे हैं, काम काज हुआ है? काम काज हुआ है पर गरीबाई नहीं आती, गरीबों के लिए काम नहीं हुआ है। महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है। आपको कैसा लगा पिछले 4.5 साल का काम काज? 4 साल वैसे तो उन्नति करी है पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। फिर आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए। महिलाओं को लेकर योगी जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में? हाँ तो उन्हीं की आएगी ना, उन्हीं की आएगी, आएगी बिल्कुल। आपको क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा के लेकर या फिर लड़कियों की शिक्षा को लेकर योगी जी ने काम किया है? बिल्कुल किया है। आपका वोट योगी जी को? बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मेरा तो नरेंद्र मोदी जी को है, योगी जी को ना है। क्यों योगी जी से खफा हुआ? नहीं खफा नहीं है, अपना यारा प्यारा लाल दुलारा अपना वही है। अच्छा। दिक्कत कहाँ है? विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार हमारी सरकार आ रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव को हम जानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री को तो इतना इतना सा बच्चा भी जानता है, मोदी को और योगी को, उनको तो उनको कैसे वोट नहीं दिया। कहना है और ऐसा विपक्ष कह रही है कि पूरे कोरोना महामारी में कहीं योगी सरकार ने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, गंगा में हमने लाशें बहते हुए देखा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत काम किया है उन्होंने, उन्होंने इस महामारी से भी बहुत बचाया है लोगों को और उनके उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि कहना उनके अच्छा उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री आया भी नहीं। अभी यूपी को स्मार्ट सिटी का ये दर्जा मिला है नंबर एक का, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्मार्ट हुआ है कुछ योगी उत्तर प्रदेश तो हुआ है तो तभी जाके हुआ है। उन्होंने बहुत सुधार करा है और महिला के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने करा है और जितने भी यहाँ दादा वादा बनते थे वो सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया है, तो मतलब कैसे क्राइम पे काबू कर लिया। अरे बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने काम किया। सब गुंडा महंगाई को लेके क्या कहना है? पेट्रोल डीजल का तो आप पे भी, लेकिन अब दिक्कत तो यही है जैसे कि हम जैसे कि 12-13 हज़ार रुपये कमाने वाले अब आते हैं कम से कम 50-60 किलोमीटर से, अप डाउन 120 किलोमीटर हो गया, अब हम ये 100 रुपये लीटर के हिसाब से अब बताओ हमारे को क्या बचने वाला है लास्ट में। अब बस थोड़ा सा यही है कि वो थोड़ा सा एक महंगाई को थोड़ा सा वो मतलब कि कर दे कम तो वही ठीक है। महंगाई कम हो जाए तो योगी सरकार सही है। अरे योगी सरकार तो महंगाई कितनी भी हो जाए तो वोट तो मोदी की है, सीधी सी बात तो ये। कितनी भी महंगाई हो जाए वोट हो जाए, मैंने कहा ना कुछ भी हो जाए मोदी जैसा काम कोई नहीं कर पाया ना। आपका क्या कहना है? आप बताओ युवा हो, रोजगार तो चाहिए ना आगे। हाँ ठीक है, इस सरकार में रोजगार को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो करेगा वो बाद में पाएगा, भी वही चीज है बस, और बाकी सब है ही बस। और कर रखी है तो क्या दिक्कत आएगी, लेकिन बस थोड़ा सा यह कि थोड़ा गरीब आदमी को देखा जाए, जैसे कि हमारी ये माता जी हैं बेचारी मांगते डोलती रहती, बहुत है ऐसे, ये समस्या थोड़ी सी गरीबों पे ध्यान देने की जरूरत है जी। अब फिलहाल उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, बहुत अच्छा करा है सब चीज में, लेकिन अब थोड़ा सा गरीबों पर ध्यान दिया जाए बस, इतना ही काफी है।